वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में जो एपोलोनियस थ्योरम है उसका प्रूफ देखेंगे, एग्जांपल के साथ देखेंगे एपोलोनियस थ्योरम ये कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और कैसे एक ट्रिंगल में जो है इस थ्योरम को हम यहाँ पर इसका उपयोग करके हम साइड निकालते हैं। तो अगर कोई जैसे इसमें ट्रिंगल दिखाया गया है तो यह ए बी सी एक ट्रिंगल है और इसमें क्या है कि एक लाइन है AM जो कि ये कह सकते हैं कि वो लाइन एंगल A को परपेंडिकुलरली यहाँ पर AM जो है वो एंगल A को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें कहा है कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे भाग के वर्ग के दोगुने के बराबर तथा उसके बीच की एल्टीट्यूड के स्क्वायर के दोगुने के बराबर होता है। जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर यहाँ पर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस टू बी डी का स्क्वायर प्लस टू ए डी का स्क्वायर होगा। एपोलोनियस थ्योरम ये है, देखिए जो यहाँ पर एक मीडियन है ए डी, मीडियन जो क्या करता है वो किसी साइड के जिस साइड पर वो गिरता है मीडियन उसको दो भागों में विभाजित करता है। मीडियन यहाँ पर ए डी है वो बी डी और डी सी को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा जो बी सी साइड है। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर टू ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस टू ऑफ बी डी का स्क्वायर। तो इसमें देखिए क्या होगा कि हमें अगर ए एम निकालना हो तो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 17 का स्क्वायर करेंगे बराबर दो गुना ए एम का स्क्वायर प्लस दो गुना बी एम का स्क्वायर। तो बी एम यहाँ पर 6 है क्योंकि बी एम और एम सी बराबर है क्योंकि ए एम जो है वो आपका यहाँ पर जो है मीडियन है। तो 11 × 121 प्लस 27289 बराबर 2 AM² प्लस 6636 जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ है। देखिए मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो ये पी है वो आपका वो मीडियन है जो कि यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स में साइड को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर उसके बगल में हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे डी लेंथ का जो एम पर जाकर मिलेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, तीन इक्वेशन हमारा बनेगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा इस ट्रेंगल में सबसे लेफ्ट वाले में, बीच वाले में पी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा और सबसे राइट साइड वाले में देखिए पाइथागोरस प्रमेय से बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एम का होल स्क्वायर। अब जब हम पहले क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2p² प्लस 2x². तो एपोलोनियस थ्योरम यही कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड हाफ साइड स्क्वायर ऑफ द थर्ड हाफ टू टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द थर्ड हाफ टाइम्स एंड प्लस टू टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।